हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीएनसी मैकेनिकल सॉल्यूशन में। और मैं पंकज आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। आज मैं आपको लेथ मशीन पर ये बताऊंगा कि थ्रेड कटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, ये हमारा पीस है एक, इस पर हमने पहले से थ्रेड डाले हुए हैं। अभी मैं इसी पीस पर आपको लेथ मशीन पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि लेथ मशीन पर हम थ्रेड का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर हमने 2 mm की पीस से थ्रेड काटी हुई हैं, ठीक है। अभी ये हमारी देखिए, ये हमारा थ्रेड पिच गेज है। इसमें हमारी दो साइड से हम पिच को मेज़र कर सकते हैं। ये मीट्रिक साइड की है और ये हमारी इंच साइड की है। दोस्तों, जो हमारी मीट्रिक साइड की जो हमारी थ्रेड होती है, जो उसका एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, और जो हमारी इंचेस थ्रेड होती है उसका जो हमारा एंगल होता है वो हमारा 55 डिग्री होता है। दोस्तों, हमारी दो तरीके से हम हमारी मेनली थ्रेड होती है। एक हमारा ब्रिटिश थ्रेड होती है जो हम इंचेस में काटते हैं, और एक हमारी मीट्रिक थ्रेड होती है जिसको हम एमएम में काटते हैं। तो दोस्तों, मीट्रिक में हमेशा हमारी हम पिच से उसको मेजर करते हैं, और ब्रिटिश में हम उसको टीपीआई से यानी थ्रेड पर इंच से मेजर करते हैं। दोस्तों, थ्रेड काटने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि किस हिसाब से हम इसकी डेप्थ ऑफ कट, इसकी गहराई निकालेंगे। वो दोस्तों, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है 0.6134 गुणा पिच। उससे अगर हम उसको गुणा करेंगे तो हमारी डेप्थ ऑफ कट निकल जाएगा। तो दोस्तों, जो भी हमारी इस पर हम मीट्रिक थ्रेड काटेंगे, जिसका कि हमारा जो टूल होता है उसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। मैं आपको थ्रेडिंग का टूल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ये थ्रेडिंग का टूल है। इसका जो कटिंग एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ये देखिए, ये इसका एंगल है, ये पूरा 60 डिग्री है, ठीक है ना। इससे ही हमारी देखिए, जब हम इसे थ्रेड काटते हैं तो पूरा इसमें इससे हमारी ये पूरा बराबर बराबर हमारी थ्रेड कट जाती है। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग इंसर्ट टाइप थ्रेडिंग टूल। ये इस पर इंसर्ट लगी हुई है, ये थ्रेडिंग की इंसर्ट है। तो दोस्तों, इस पे हम देखिए, इस पीस पे हम थ्रेड कटिंग करेंगे लेथ मशीन पर। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा लेथ मशीन पर। आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक से सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी लेथ मशीन पर प्रैक्टिकल के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, अभी आपको लेथ मशीन पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, हमने लेथ मशीन पर अपना ये जो पीस है उसको क्लैंप कर लिया। देखिए यहाँ पे हमने जो हमारा 3 जैसा है, हमने उसमें पीस को क्लैंप किया हुआ है, और हमने यहाँ पे अपना जो हमारा थ्रेडिंग टूल है इंसर्ट टाइप, उसको भी हमने हमने टूल पोस्ट पर क्लैंप कर लिया है। ये देखिए, इस पर हमारी थ्रेडिंग की इंसर्ट लगी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कि हमने जब लेथ मशीन पर थ्रेड डालने हैं तो मशीन की सेटिंग कैसे करनी है। ये हमारी लेथ मशीन, जो कि हमारी गियर टाइप मशीन है। सबसे पहले आप देखिए, हमने इस पे जो हमारा डाया है वो 14 mm का है, और 14 mm पे हमने 2 mm पिच की थ्रेड काटनी है। सबसे पहले आपको चार्ट दिखा देता हूँ, जो हमारा चार्ट होता है यहाँ पे, ये हमारा चार्ट है। देखिए यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे चूड़ी काटते हैं। ये हमारी 2 mm की पिच यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो हमारा ये देखिए यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हमने अब इसको गियर को, ये देखिए हमारा लीवर को हमने उसी के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। यहाँ पे हमारी 2 mm की पिच की चूड़ी पे देखिए आपका निशान उस तरफ है, तो हमने लीवर का निशान भी उस तरफ रखना है। उसके बाद ये देखिए, उस पर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर, ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे 8 नंबर तक लिखे हुए हैं। तो हमारी जो हमारी दो एम एम पिच की चूड़ी है उस पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी तो हम यहाँ पर इसको 1 नंबर पर सेट कर देंगे। देखिए 1 से लेकर यहाँ पे 9 तक डिजिट लिखे हुए हैं, तो हम इसको 1 नंबर पे यहाँ से सेट कर देंगे। देखिए किस तरह सेट करेंगे इसे हम लीवर को, इसे हम एडजस्ट करके, ये देखिए हमने इसको 1 नंबर पे हमने इसको सेट कर लिया पूरी तरह से। अब हमारी जो थ्रेड की सेटिंग है वो पूरी तरह से हो चुकी है। देखिए, इसको हमने 1 नंबर पर सेट कर लिया है, और जो हमारा लीवर है उसको हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो हमारी स्पीड है हम उसको सेट, इसकी जो स्पीड है हमने वो हमने यहाँ से 70 RPM पे सेट कर लिया है। देखिए जो उसके अकॉर्डिंग स्पीड है, हमने उसकी यहाँ से पूरी सेटिंग कर ली है 70 RPM के अकॉर्डिंग। अब हम अपनी मशीन को रन करेंगे। देखिए दोस्तों,
ये हमारी क्रॉस स्लाइड है। जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि डेप्थ ऑफ कट कैसे निकालते हैं, इस क्रॉस स्लाइड की सहायता से हम इसको डेप्थ ऑफ कट देंगे। यहाँ से ये हमारा पीस क्लैंप हो चुका है इसमें, और ये हमारा टूल भी क्लैंप है। अब हम मशीन को यहाँ से ऑन करेंगे। ये देखिए मशीन के जो आरपीएम है हमारे, वो बड़े स्लो हैं, क्योंकि जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो हमारे आरपीएम स्लो होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा लीवर है, ठीक है, इसको लीवर को हम अप करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमने जो हमारा पीस है उससे हमने टूल को टच कर देना है, और टच करने के बाद ही हमने लीवर को अप करना है, कि जब तक हमारी थ्रेड पूरी ना हो जाए यहाँ पे ग्रूव तक, तो हमने लीवर को डाउन नहीं करना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। ये देखिए जीरो टच कराने के बाद हमने उस पर थ्रेड कटने हमारे शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे करके हम डेप्थ ऑफ कट को बढ़ाएंगे अपनी क्रॉस स्लाइड से। ये देखिए धीरे धीरे हमारी थ्रेड कटती हुई, जब एक बार थ्रेड हमारी जब पूरी हो जाए उसके बाद हमने बैक उसी पोजीशन में उसको वापस लेके आना है। ऐसे धीरे धीरे करके हम इसको डेप्थ ऑफ कट अपना बढ़ाते रहेंगे, जो हमारा डेप्थ ऑफ कट निकला था, जब तक कि हमारी डेप्थ पूरी ना हो जाए। ये देखिए हमारे थ्रेड धीरे धीरे करके पीस पर आ चुके हैं। डेप्थ ऑफ कट को हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे ताकि हमारे जो टूल है उस पर भी लोड ना पड़े और हमारा पीस भी ख़राब ना हो। ये देखिए ये थ्रेड हमारे धीरे धीरे करके इस पर कटते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट कट है हमारा डेप्थ ऑफ कट, इससे कि हमारी जो फाइनल थ्रेड है वो बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको इसको स्क्रू पिच गेज से मेज़र करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी स्क्रू पिच गेज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 2 mm पिच की इस पर हमने थ्रेड काटनी है। तो देखिए पूरी फिट इसमें हो रही है। इससे हम अपनी थ्रेड की मेज़र करते हैं। ये देखिए हमारी जो 2 mm पिच की थ्रेड है वो पूरी इस पीस पे बन चुकी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।